365 न्यूज आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। पिछले दिनों हजारीबाग से 3 मरीज पॉजिटिव पाए जाने पर हजारीबाग जिला प्रशासन एवं चिकित्सकों के द्वारा अथक प्रयास कर उन्हें ठीक कर घर भेज दिया गया था, लेकिन पुनः चौथा मरीज हजारीबाग में आ जाने के बाद लोगों में चिंताएं फिर से झलक रही हैं। चौथा मरीज के बारे में जिला प्रशासन हजारीबाग ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि उक्त मरीज मुंबई से 4-पहिया वाहन से बरघट्टा पहुंचा था। जिस वाहन का प्रयोग उसने किया था उसमें गिरिडीह के एक परिवार भी आए थे। इस बात की जानकारी गिरिडीह जिला प्रशासन को भी दे दी गई है। वहीं मुंबई में भी मरीज के पॉजिटिव होने की जानकारी दे दी गई है ताकि वह जहां रहता था वहां खोजबीन किया जा सके। खबर 365 न्यूज के लिए हजारीबाग से रवि शर्मा की रिपोर्ट। प्रोएक्टिवली जब रात को व्यक्ति 11 बजे पहुंचा 5 तारीख को, 6 तारीख की सुबह उस व्यक्ति को मुखिया जी ने पकड़ के गाइडलाइंस आई उसके आलोक में हमारे डॉक्टर्स ने उसका स्वैब लेकर के भेजा था और वो पॉजिटिव आया। उसके साथ उसके वार्ड में हम लोगों ने प्राइमरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर लिए जिसमें तकरीबन 40 लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। उसके साथ उसकी गाड़ी में गिरिडीह के लोग थे, 4-5 लोग, उनको गिरिडीह डीसी साहब ने सूचना दे दी। बॉम्बे में जिसके घर में रहते थे वहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर के यहाँ भी हम लोगों ने सूचना दे दी ताकि वो लोग जो भी जाँच है वो कर सके। इसमें अभी एक पॉजिटिव पेशेंट आया है तो इसमें हम लोगों का जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और 144 उधर कम्प्लीटली लगा दिया गया है। अब वो प्रॉपर बॉर्डर सीलिंग होगा और इसके अलावा जो है जो पेशेंट है उनसे इंट्रोगेशन अलग से होगी और किस किस के कॉन्टैक्ट में आए हैं तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का पूरा प्रक्रिया जो है हम लोग करेंगे और उसमें जो जो व्यक्ति मिलेंगे उन लोगों का सैंपल्स कलेक्ट कर दिया जाएगा और वैसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से और किसी को अगर कोरोना फैला है तो उस संबंध में जो है हम लोग उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे। और साथ साथ जनता के साथ यही अपील है कि कभी जो है 10-60+ के लोग कभी घर से बाहर ना आए और कहीं भी जाना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें।